हेलो विवेकियंस, आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। आओ आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय खोदा पहाड़ निकला डैश डैश का अध्ययन करेंगे। पाठ एक, खोदा पहाड़ निकला डैश डैश। सबसे पहले आप आज की दिनांक लिखें। हम सबसे पहले पाठ की ओर दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, जब भी आप किसी कहानी को पढ़ते हो तो उस कहानी के चित्रों को देखते हुए आपके मन में बहुत से प्रश्न उठते होंगे, लेकिन जब आप कहानी के निश्चित भाग को पढ़ लेते हो तो आप कहानी का अच्छे से अनुमान लगा सकते हो और आपको इस कहानी के अंत का भी पता आसानी से चल जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक घर में ना मिल रही हो तो उस पुस्तक को लेकर आप बहुत परेशान होते हैं। उस पुस्तक को लेकर आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते होंगे कि मेरी पुस्तक कक्षा में किसी विद्यार्थी ने तो नहीं निकाल ली, या घर में से किसी ने तो नहीं ले ली, या मेरे घर से कोई ले तो नहीं गया। हमारे मन में कई प्रश्न उठते होंगे। अंत में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इस कहानी का पठन करें। आश्वी, तुम्हें पता है कल मैंने उस चप्पल चोर को पकड़ ही लिया। कनक, चिंतापूर्वक, वही चप्पल चोर जो हमेशा तुम्हारे एक पैर की चप्पल ले जाता था। आश्वी, हाँ, इस कहानी में दो लड़कियां होती हैं, एक आश्वी और एक कनक। आश्वी कनक से कहती है कि आज मैंने उस चप्पल चोर को पकड़ लिया है जो हमेशा आपकी चप्पल चुरा कर ले जाता था। कनक, चिंता के साथ, वही चप्पल चोर जो हमेशा हमारे एक पैर की चप्पल ले जाता था। आश्वी, हाँ, वही। कनक उत्सुकता से, कौन है वह, कैसे दिखता है, कैसे पकड़ा? आश्वी, अरे सांस तो ले ले, उसके बारे में जानकर तुझे बहुत हैरानी होगी और हंसी भी आएगी। कनक, अब अटपटी पहेलियां मत बुझा और सीधे सीधे बता वह कौन है और कैसे पकड़ा गया। कनक व्याकुलता से, वह बता कैसे दिखता है, तूने कैसे पकड़ा? आश्वी, अरे सांस तो ले ले, तुझे बहुत हैरानी होगी उसके बारे में सुनकर और हंसी भी आएगी। कनक, अब अटपटी पहेलियां मत बुझा मेरे साथ, सीधे सीधे बता, बात को मत घुमा और ये बता तूने उस चोर को कैसे पकड़ा है। आश्वी, कल की बात है, चप्पल उतारने के बाद मैं चुपके से दरवाजे के पीछे जाकर छिप गई और चुपचाप उसका इंतजार करने लगी। तभी वहाँ कुछ आहट हुई और मैं पहले से ही चौकन्नी थी। कनक जिज्ञासा पूर्वक, फिर क्या हुआ, जल्दी बताना। आश्वी, शांति से, वह शैतान वहाँ आया, मेरी चप्पल उठाई और सीधा छत पर भाग गया। आश्वी बताती है कनक से कि कल की बात है कि मैं जब चप्पल उतारने के बाद दरवाजे के पीछे छिप गई और उस चप्पल चोर का इंतजार करने लगी, तभी एकदम से आवाज़ आई और मैं सावधान हो गई। कनक जानने की इच्छा से, फिर क्या हुआ, जल्दी बताना। आश्वी बोली, शांति रख, वह शैतान वहाँ आया, मेरी चप्पल उठाई और एकदम सीधा छत पर भाग गया। कनक झुंझला कर, पर वह था कौन, जल्दी बता, अब धैर्य नहीं होता। आश्वी, बताती हूँ बताती हूँ, अब सुन। मैं भी उसके पीछे पीछे छत पर चली गई। वह बड़ी टैंकी के पीछे खड़ा था और जब मैं उस टैंकी के पीछे गई तो वहाँ मेरी नई पुरानी 15 चप्पलें मिली। उसके साथ साथ माता पिता जी की भी कई चप्पलें थी। मैं सभी चप्पलों के साथ साथ उसे भी कान पकड़ कर नीचे ले आई। चप्पलें वह ले जाता था, यह देख पहले तो सब हैरान हुए और बाद में खूब हंसे। कनक ने आश्वी को पूछा, जल्दी झुंझला कर, हिला कर, बता, जल्दी बता, अब मेरे से सब्र नहीं होता। आश्वी कहती है, बताती हूँ बताती हूँ, मैं जब उसके पीछे गई तो वह टैंकी के पीछे खड़ा था और उसके पास हमारी 15 चप्पलें थी, जिसमें से मम्मी पापा की चप्पलें भी थी, और मैंने उसे कान से पकड़ा और नीचे ले आई। जब उसे सबने देखा तो उसे देखकर सब हैरान हो गए और खूब हंसे। कनक नाक भों सिकोड़ कर, तू बात को बहुत घुमा रही है, अभी तक नहीं बताया कि वह कौन था और तुम हंसे क्यों? आश्वी मुस्कुराते हुए, वह था हमारा नटखट कुत्ता चीकू। कनक हैरानी से, क्या चीकू?
इसमें अब कनक कहती है आश्वी से, तू अपना नाक मत सिंगोड़, सही सही बता बात को घुमा क्यों रही है कि वह कौन था। उसने आश्वी ने कहा हंसते हुए, वह था हमारा नटखट कुत्ता चीकू। कनक हैरानी से, क्या चीकू? आश्वी हंसते हुए, हाँ चीकू, उसने ही सारी चपले वहाँ इकट्ठी की हुई थी, उसकी इस हरकत पर हम सब खूब हंसे। कनक हंसते हुए, चीकू भी ना, कितने दिनों से उसने हम सबको परेशान किया हुआ था, पर सच में यह तो बड़ी बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आश्वी, नहीं नहीं, खोदा पहाड़ निकला चीकू। उसके बाद दोनों पेट पकड़कर खूब हंसे। आश्वी हंसते हुए बताती है कनक को कि हाँ चीकू वही हमारी सारी चप्पलें इकट्ठी करके ले जाता था और हमें कितना परेशान किया हुआ था। कनक हंसते हुए, हाँ ये क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकली चूहिया? आश्वी कहती है, नहीं नहीं, खोदा पहाड़ निकला चीकू। और बाद में दोनों पेट पकड़कर खूब हंसे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना किसी आधार के किसी पर शक नहीं करना चाहिए। और बच्चों, आपको इस कहानी के पठन से पहले आपको एक प्रश्न दिया गया था, उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हमें अपनी कोई वस्तु ना मिलने पर किसी पर केवल संदेह करके हमें उसे चोर नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक पता लगाना चाहिए। हमें किसी पर शक नहीं करना चाहिए और किसी को चोर नहीं कहना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद आप सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका में श्रुतलेख शब्दों को लिखेंगे और उसके बाद आओ पढ़े में दिए गए तीन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।